सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर एस्पेक्ट विजन। तो कैसे हमारे बिहार पारा मेडिकल 2024 के सभी स्टूडेंट, आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपने काउंसलिंग नोटिस का, और लगातार सभी स्टूडेंट के मन में यही चल रहा है कि सर आखिर हमारा काउंसलिंग नोटिस कब आएगा, यानी कि काउंसलिंग डेट कब आएगी। रिजल्ट आए हुए काफी दिन हो चुका है, आप ही के साथ पॉलिटेक्निक का रिजल्ट आया था जिसकी काउंसलिंग प्रक्रिया अब समाप्त होने जा रही है। तो आखिर बिहार पारा मेडिकल का काउंसलिंग नोटिस कब आएगा, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि बिहार पारा मेडिकल 2024 का काउंसलिंग यानी कि चॉइस फिलिंग नोटिस इस दिन आने जा रहा है, जो मैंने पता करा है बीसीसी बोर्ड से। तो एक बार सभी स्टूडेंट जितने भी बिहार पारा मेडिकल के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी सभी बच्चे अपने तरफ से एक एक लाइक कर दीजिए, सब अपने तरफ से एक एक लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका रैंक कितना है और आपको कौन सा कोर्स लेना है। और एक बात, अभी तक अगर आप हमारे बिहार पारा मेडिकल के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए हैं तो जल्दी से आप लोग सभी बच्चे ज्वाइन कर ले हमारे बिहार पारा मेडिकल के व्हाट्सएप ग्रुप में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो चलिए मैं बात करूं बिहार पारा मेडिकल काउंसलिंग डेट के ऊपर, यानी कि डीसीईसी पीएम और पीएमएम। देखिए हर साल जो होता है बाबू ना, पारा मेडिकल का एक सिंपल सा नियम है, ठीक है, कि पॉलिटेक्निक का सबसे पहले आईटीआई का काउंसलिंग होता है, उसके बाद पॉलिटेक्निक का होता है, उसके बाद इंजीनियरिंग का होता है, देन पारा मेडिकल का होता है, ठीक है। आईटीआई का रिशेड्यूल हुआ है, आपका इंजीनियरिंग का खत्म हो चुका है, पॉलिटेक्निक का अभी चल रहा है, कल खत्म हो जाएगा। तो अब बात आती है कि अब बारी है पारा मेडिकल की, अब बारी है पारा मेडिकल का, अब जो सबसे पहला काउंसलिंग होने जा रहा है वो आप लोगों का होने वाला है, बिहार पारा मेडिकल का होने वाला है। लेकिन बात आती है सर होने वाला है, ठीक है, मैं भी समझ रहा हूं, ठीक है, काउंसलिंग तो होना ही, बट आखिर कब होगा, आखिर काउंसलिंग होगी कब। तो देखिए ये हर साल देखा गया है, कह सकते हैं कि एक रूल ही कहिए, नियम ही कहिए, कि पॉलिटेक्निक का फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट, मेरी बातों को ध्यान समझिए, आप किसी साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट जैसे ही आता है और इसका एडमिशन प्रक्रिया शुरू होती है, उसके जस्ट बाद बिहार पारामेडिकल का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है। अब इस सेशन की मैं बात करूं तो आप लोगों को मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो मैं बता दूं कि फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट आने जा रहा है आपका 5 अगस्त को। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, आप बोलोगे सर पॉलिटेक्निक का क्या रिलेशन है, बहुत रिलेशन है, ठीक है, डीसीसी पीएम पीएमएम सब एक ही साथ है, ठीक है। तो 5 अगस्त को फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट आने जा रहा है डीसीसी पीई का, और उसके जस्ट बाद आपकी काउंसलिंग नोटिस आ जाएगी। हो सकता है 5 को ही नोटिस आ जाए, हो सकता है 6 को आ जाए, हो सकता है 7 को आ जाए, बट आपका ये कंफर्म हो चुका है, ये आपका 110% कंफर्म हो चुका है कि 10 अगस्त से पहले आपका काउंसलिंग नोटिस आने वाला है, 10 अगस्त से पहले आपका काउंसलिंग नोटिस आने वाला है। और यह हर साल होता है कि पॉलिटेक्निक का फर्स्ट राउंड जैसे ही अलॉटमेंट होता है उसके जस्ट बाद पारा मेडिकल का आपका काउंसलिंग प्रक्रिया होती है, लेकिन हर साल थोड़ा सा डिले देखा ही जाता है, इसलिए घबराना नहीं है, अब बहुत नजदीक है आपका काउंसलिंग, जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे, एनएम लेने का, जीएनएम लेने का और चॉइस फिलिंग। काउंसलिंग सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है क्योंकि इसमें आपको चॉइसेस भरने होते हैं कि आपको क्या चाहिए नहीं चाहिए, और काउंसलिंग अगर आप अच्छे से करें तो आपका रैंक ज्यादा भी है तो कॉलेज आपको मिल सकता है, डिपेंड करता है कि आपने काउंसलिंग किस तरीके से किया है, आपका काउंसलिंग किस तरीके से हुआ है, ठीक है। अब मैं बात करूं, क्लियर हो गया ये डेट आपको, क्लियर हो गया कि आपका 10 अगस्त से पहले जो है 99% है कि आपका नोटिस आ जाएगा, बाकी जो भी अपडेट होगा एस्पेक्ट विजन आपको देता रहेगा। इसके लिए आप लोग सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर ही ले आप लोग सभी बच्चे। अब मैं बात करूं सर काउंसलिंग कैसे होगा, देखिए एस्पेक्ट विजन हर साल काउंसलिंग कराता है, बेहतरीन काउंसलिंग कराता है, और सबको जो है जिसका रैंक होता है, अगर ज्यादा रैंक भी उसको इतना अच्छे तरीके से हम लोग काउंसलिंग करते हैं कि चांसेस बन जाता है गवर्नमेंट कॉलेज का, और जिसका अच्छा रैंक है उसको बेहतरीन तरीके से काउंसलिंग करके चाहते हैं उन्हें कि टॉप कॉलेज में उन्हें जीएनएम मिले, टॉप कॉलेज में एनएम मिले, टॉप कॉलेज में डी फार्मा मिले, टॉप कॉलेज में डीएमएलटी मिले। तो इसीलिए जो भी बच्चे एस्पेक्ट विजन से काउंसलिंग कराना चाहते हैं, आप लोग हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमने क्लोज कर दिया था क्योंकि बीच में इंजीनियरिंग की काउंसलिंग थी, पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग थी, आज से मैं मात्र 50 बच्चों के लिए फिर से ओपन कर रहा हूं। तो जो बच्चे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, 2 नंबर दिया गया है आपको, एक 9472070758 and 8809071684, इस पे आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिए अपना रैंक कार्ड। 50 बच्चों के लिए मैंने ओपन किया है क्योंकि ऑलरेडी हमारा सीट फुल है काउंसलिंग का, ऑनलाइन काउंसलिंग का हमारा सीट फुल हो चुका है, स्टिल जो है हम लोग 50 बच्चों का आप लोग का भारी डिमांड पे ओपन किए हैं। तो आप लोग ये दोनों में से किसी भी नंबर पे अपना रैंक कार्ड व्हाट्सएप कर दीजिए और काउंसलिंग के लिए जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर ले, 50 के बाद फिर से मैं क्लोज कर दूंगा। और एक बात,
हर साल के भांति इस साल भी हम लोग ऑफलाइन काउंसलिंग करने जा रहे हैं बिहार पैरामेडिकल 2024 का। ये ऑफलाइन काउंसलिंग हमारा होगा एस्पेक्ट विजन क्लासेस बाजार समिति मेन गेट बाजार समिति पटना। हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है पटना में बाजार समिति में, वहीं पे आपका ऑफलाइन काउंसलिंग होने वाला है। वहीं पे आपका ऑफलाइन काउंसलिंग होने वाला है किस चीज का? बिहार पैरामेडिकल 2024 का। तो बिहार पैरामेडिकल के सभी बच्चे तैयार हो जाइए पटना आने के लिए। और आपको जैसे ही काउंसलिंग डेट आएगी मैं एक स्पेशल वीडियो बना के आपको मैं अनाउंसमेंट वीडियो डाल दूंगा जिसमें टोटल जानकारी आपको ऑफलाइन काउंसलिंग की दे दूंगा। आपको एक दिन का समय निकालना है, आपका एक दिन जो है ना आपका करियर बनाएगा, एक दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसीलिए सभी बच्चे ये दिमाग में बैठा लीजिए कि जैसे ही काउंसलिंग डेट आएगी मुझे पटना जाना है, मुझे एस्पेक्ट विजन के पास जाना है, मुझे एस्पेक्ट विजन के सेंटर पर जाना है और जाके काउंसलिंग कराना है। याद रखिए, चाहे आपको एएनएम चाहिए, चाहे आपको जीएनएम चाहिए, चाहे आपको डीएमएलटी चाहिए, चाहे आपको कोई भी कोर्सेस चाहिए, हम लोग सभी कोर्सेस का बेहतरीन काउंसलिंग आपको करके देते हैं ताकि आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल सके। आप लोग बस चैनल से जुड़े रहिए। और ऑफलाइन काउंसलिंग धमाकेदार होगा इस बार। अभी जस्ट हमारा इंजीनियरिंग एंड पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग हो चुका है ऑफलाइन, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था सभी का। हम लोग बेहतरीन ढंग से काउंसलिंग हमने करा है और रिजल्ट वो आपको देखने को मिलेगा जब अलॉटमेंट आएगा तो, कि हमने ऑफलाइन में क्या रिजल्ट दिए हैं। तो सभी बच्चे तैयार रहिए इस बार बिहार पैरामेडिकल के। आप लोग का ऑफलाइन काउंसलिंग में आज अनाउंस कर दिया हूं, जैसे आपका डेट आएगा मैं डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको बता दूंगा। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में मस्त से मस्त ज्वाइन कर लीजिए। और जो बच्चे पटना नहीं आ सकते कोई रीजन की वजह से, देखिए आप लोग एक दिन जरूर समय निकालिए अपने पेरेंट्स के साथ या खुद एक दिन आप लोग जरूर आए। लेकिन स्टिल आप नहीं आ सकते, कोई परेशानी है, तो मैंने 50 सीट के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन किया है फिर से आज से। इससे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे थे। आप लोग के पास दो नंबर है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मात्र 50 स्टूडेंट्स के लिए है, मात्र 50 स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप लोग सभी बच्चे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए, जिसको भी करना है, ठीक है। और फिर से मैं एक बार बता दूं बिहार पैरामेडिकल 2024 का काउंसलिंग तिथि की मैं बात करूं तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि यह हर साल होता है। पॉलिटेक्निक का फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट होने के बाद आपका पैरामेडिकल का काउंसलिंग नोटिस आ जाती है। और मैं उम्मीद कर रहा, ये बात मैंने पता करी है कि 10 अगस्त से पहले पूरी संभावना है कि आपकी काउंसलिंग नोटिस आ जाएगी। उससे पहले उम्मीद बहुत कम है, उम्मीद कम छोड़ो उम्मीद है ही नहीं, उम्मीद है ही नहीं, ठीक है। इसलिए बिहार पैरामेडिकल 2024 के सभी स्टूडेंट, जितने भी बच्चे काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं, अब आपका इंतजार का घड़ी होने जा रहा है खत्म। बहुत जल्द आपकी इंतजार की घड़ी होने वाली है खत्म। और वो दिन आने वाला है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, वो नोटिस आने वाला है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। क्या आपको इंतजार है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और यहां तक वीडियो देख लिए हैं, दैट मींस की वीडियो आपको पसंद आया है, तो एक बार जल्दी से सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस जिला से ये वीडियो देख रहे हैं। तो बिहार पैरामेडिकल 2024 के सभी बच्चे बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं सभी का काउंसलिंग बहुत अच्छे से हो और सभी को बेहतरीन गवर्नमेंट कॉलेज मिले। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से दे दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में मस्त से मस्त ज्वाइन कर ले। धन्यवाद।